Hello everyone, I'm Divya and today I will be reviewing this Insight Concealer. So without further ado, let's begin. ये मैंने अभी नायका की सामर सेल से लिया था. इसकी MRP है 120 rupees. इसमें आपको 3.5 grams ऑफ प्रोडक्ट मिलता है. दिस इज मेड इन इंडिया एंड ये टोटल 6 shades में अवेलेबल है. द शेड आई हैव गॉट इज बेज. आई थिंक सबसे लाइटेस्ट शेड इसमें जो अवेलेबल है दैट इज पोर्सिलिन एंड मैंने जो शेड लिया है दैट इज सेकेंड लाइटेस्ट विच इज कॉल्ड बेज. मैं यहाँ पे हैंड वॉचेज इंसर्ट कर दूंगी सो दैट यू कैन प्रॉपरली सी इट. इवन दो ये सेकेंड लाइटेस्ट शेड है उनकी रेंज में से, लेकिन ये उतना लाइट नहीं है. आप स्वॉचेस में भी देखोगे जब मैं हैंड्स पे से स्वॉच करती हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑरेंज दिखाई देता है और थोड़ा सा डार्क साइड पे दिखाई देता है. बिकॉज ऑफ इट्स ऑरेंज अंडरटोन्स दिस वर्क्स मोर एज अ कलर करेक्टर रादर दैन अ कंसीलर. अगर आप फेयर लाइट या फिर लाइट मीडियम स्किन टोन के हो तो मैं कहूँगी कि आपके लिए कंसीलर की तरह काम नहीं करेगा. दिस विल वर्क मोर एज अ कलर करेक्टर. अगर मैं इसको एक अच्छी खासी मात्रा में अपनी आईज पे लगाती हूँ अंडर आईज एंड आईलिड्स के ऊपर तो ये ऑरेंज दिखाई देता है. इफ़ आई यूज इट वेरी स्पेयरिंगली एंड वेरी कॉन्शियसली तो ये मेरे डार्कनेस को अच्छे से कवर कर देता है और ज़्यादा ऑरेंज नहीं दिखाई देता है. जैसे आज मैंने अपनी आईज के अराउंड यही लगाया हुआ है. मैंने अपनी आईलिड्स पे ये लगाया था एंड अंडर आईज पे भी यही लगाया था. क्लिप्स में यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी सो दैट यू कैन सी दैट इन एक्शन. एंड आप देखोगे कि जब मैं इसको लगा रही थी तो ये थोड़ा सा ऑरेंजिश साइड पे दिख रहा था, लेकिन इसे लगाने के बाद एक कंसीलर ब्रश से थोड़ा सा और डिफ्यूज कर दिया था तो उसकी वजह से अब ये आपको मेरे आईज के अराउंड ऐसा ऑरेंज दिखाई नहीं दे रहा होगा. जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो मैंने अपने फेस पे सिर्फ और सिर्फ ये कंसीलर लगाया हुआ है. एज इन मैंने कोई बेस प्रोडक्ट नहीं अप्लाई किया है, मैंने कोई भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है, कोई और कंसीलर नहीं अप्लाई किया है और उसके अलावा मैंने आईब्राउज हल्की सी की थी, ब्लश लगाया था एंड लिपस्टिक लगाई थी, बट बेस में और मैंने कुछ नहीं किया था. बट बिकॉज ये करेक्टर टाइप का शेड है तो आप इसे कलर करेक्शन के लिए यूज कर सकते हो. फेस पे कहीं पे आपको पिगमेंटेशन हो तो आप उसे करेक्ट करने के लिए ये यूज कर सकते हो बिकॉज ऑफ दोज ऑरेंजी अंडरटोन्स. एंड इसके ऊपर फिर आप अपना फाउंडेशन कंसीलर लगा सकते हो. आई नो मैं शेड के बारे में कुछ ज्यादा ही डिस्कशन करती जा रही हूँ बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. मैंने जब ये लिया था ना कंसीलर एंड सिर्फ इसे हैंड वॉच करके देखा था, आईज पे नहीं लगाया था, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये तो सिर्फ कलर करेक्शन के लिए ही सूटेबल है, मैं ऑन इट्स ओन इसे यूज नहीं कर पाऊंगी एंड मुझे डाउट हो रहा था कि मैं इसे कितना यूज करूंगी, मुझे पसंद आएगा या नहीं आएगा. लेकिन अब जब मैंने इसे एक दो बार यूज कर लिया है एंड मुझे समझ में भी आ गया है कि इसे एक्चुअली यूज कैसे करना है तो आई एम एक्चुअली लाइकिंग द शेड. मुझे तो एक्चुअली कलर करेक्शन के लिए ये वाला शेड बहुत अच्छा लगा बिकॉज क्या होता है ना मार्केट में मोस्टली कलर करेक्शन के लिए वो ऑरेंज करेक्टर्स ही अवेलेबल होते हैं या फिर पीच करेक्टर्स अवेलेबल होते हैं. मेरे पास भी कुछ इक्के दुक्के ऐसे करेक्टर्स हैं एंड ऑनेस्टली बताऊं तो मैं उनको बिल्कुल भी यूज नहीं करती बिकॉज जो पीच करेक्टर होते हैं वो उतना अच्छे से काम करते हैं नहीं और जो ऑरेंज करेक्टर होते हैं वो इतने ज्यादा इंटेंस होते हैं कि फिर आपको उनको कवर अप करने के लिए काफी अच्छे से यू नो प्रोडक्ट्स को लेयर करना पड़ता है. तो वो कलर्स मुझे उतने सूटेबल नहीं लगते और मुझे थोड़ा झंझट वाला काम लगता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका काम बढ़ा दिया है. लेकिन ये वाला शेड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटिलिटी एंड बिकॉज ऑफ इट्स अंडरटोन. ये ना तो बहुत ज्यादा ऑरेंज है और ना ये एग्जैक्टली बेज है, यू नो इट इज समवेयर इन द मिडल कि ये एग्जैक्टली आपकी स्किन टोन का शेड भी नहीं है बट एग्जैक्टली ऑरेंज भी नहीं है, तो उसका बहुत ही अच्छा मिश्रण है. तो इसलिए ये आपको कुछ कुछ कंसीलिंग का इफेक्ट भी दे देता है और कुछ कुछ कलर करेक्शन का इफेक्ट भी दे देता है. सो आई विल से इफ यू आर वेरी फेयर और आपको मेजर डार्कनेस नहीं है अराउंड योर आईज तो इसको तो प्लीज अवॉइड करना. इफ यू हैव लाइट मीडियम स्किन टोन और लाइट स्किन टोन सिमिलर टू माइन
तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड दिस विल वर्क एज अ करेक्टर फॉर यू. दिस शेड विल बी दी मोस्ट सूटेबल फॉर लाइट टू मीडियम कॉम्प्लेक्शन. आई विल से इफ़ यू हैव मीडियम स्किन टोन तो ये काइंड ऑफ एक कंसीलर की तरह काम कर सकता है, बट इफ़ यू हैव लाइट टू लाइट मीडियम स्किन टोन देन आई विल से कि दिस विल वर्क मोर एज अ करेक्टर. इफ़ यू हैव डीपर कॉम्प्लेक्शन तो फिर तो डेफिनेटली आप इस रेंज के डार्कर शेड्स को एक्सप्लोर करना. ओके, शेड के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात हो गई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम टच करते ही आएगा. आपको थोड़ा सा ऐसे यू नो अपनी फिंगर को स्वर्ल करना पड़ेगा एंड प्रोडक्ट को वार्म अप करना पड़ेगा ताकि आपकी फिंगर पे पिक हो जाए, बट आई डू नॉट माइंड दैट एट ऑल. मैंने इसके साथ ही इनसाइड प्रोफेशनल रेंज का पॉट कंसीलर भी लिया था. टेक्सचर में आपको कंपैरिजन जानना हो तो मैं कहूंगी कि वो वाला ज्यादा क्रीमी है, ये वाला उससे कम क्रीमी है. बट ज्यादा क्रीमी और ज्यादा इमोलियंट ना होने का एक बेनिफिट यहाँ पे इसको मिलता है कि ये ज्यादा क्रीस नहीं होता है. देखो थोड़ी बहुत क्रीसिंग तो होगी ही, इफ़ यू डू नॉट सेट इट तो हल्की क्रीसिंग तो होगी ही. अभी भी मैंने ना इसको सेट नहीं किया हुआ है, तो आप देखोगे कि जब मैं आइस को ब्लिंक कर रही हूँ तो हल्की सी क्रीसिंग आपको विजिबल होगी शायद, बट इट इजेंट मेजर. एंड मैंने बाकी कंसीलर से भी जब इसको कंपेयर करके देखा एंड थोड़ा सा इसका वेयर टेस्ट किया तो मेजर क्रीसिंग मुझे नहीं दिखी थी. और जब मैंने इसको बहुत ही हल्का सा सेट कर लिया था तो फिर काफ़ी अच्छा ये लास्ट कर रहा था एंड क्रीसिंग बहुत ही मिनिमल हो गई थी. आई थिंक द बेस्ट वे टू अप्लाई दिस कंसीलर इज़ विथ योर फिंगर्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उतना ज़्यादा इमोलियंट नहीं है, तो जब आप अपनी फिंगर्स से इसको ऐसे वार्म अप करोगे एंड देन अप्लाई करोगे तो आई थिंक आपको बेस्ट इफेक्ट मिलता है. सेकेंड नंबर पे आई विल से यू कैन यूज़ इट विद अ ब्रश. ब्लेंडर से तो मैं कहूँगी कि अवॉइड ही करना. आई डोंट थिंक अ ब्लेंडर विल बी एबल टू ब्लेंड दिस प्रोडक्ट प्रॉपरली. इसकी फिनिश आई विल से थोड़ी रेडियंट साइड पे है, मैट तो देखो बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ड्यूई भी नहीं है. मैं अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग बताऊँ तो मुझे तो एक्चुअली इसकी फिनिश अच्छी लगी, बिकॉज ना तो ये कम्प्लीटली मैट है ना ही एक ऑयली ड्यूई फील होती है. दिस जस्ट गिव्स यू अ रेडिएंट फिनिश. मैंने भी ना ये ऑब्जर्व किया है, स्पेशली व्हेन यू आर बाइंग अ पॉट कंसीलर जो इस तरीके की फॉर्म में होता है ना कि पॉट में आता है पैन में आता है, तो इसमें शेड के अकॉर्डिंग भी फॉर्मूला डिफर करता है. कई बार कोई शेड ज़्यादा क्रीमी होते हैं, कोई कम क्रीमी होते हैं. जैसे ये चीज़ मैंने कव्स एंड लैशेस के कवर पॉट के साथ भी फील की थी कि उसमें कुछ शेड ज़्यादा क्रीमी होते थे. और स्पेसिफिकली शेड्स के हिसाब से भी बताऊँ ना तो मेरा एक्सपीरियंस उसमें ये रहा था कि जो डार्कर शेड्स थे वो ज़्यादा क्रीमी होते थे और लाइटर शेड्स उतने ज़्यादा क्रीमी नहीं होते थे. तो कई बार शेड्स की वजह से भी ना थोड़ा सा टेक्सचर में डिफरेंस आ जाता है कि कोई ज़्यादा क्रीमी होता है कोई कम क्रीमी होता है. लेकिन इस स्पेसिफिक शेड के साथ मेरे को टेक्सचर में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, ऐसा मुझे ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी फील नहीं हुआ. इट फेल्ट क्वाइट नाइस टू मी एक्चुअली. तो फटाफट से सम अप करूँ तो शेड मुझे तो एक्चुअली पसंद आया, लेकिन हाँ मैं कह दूंगी कि इनकी शेड रेंज में ज़्यादा हाईलाइटिंग शेड आपको नहीं अवेलेबल है, मोस्टली ये थोड़े कंसीलिंग साइड पे होंगे. सेकेंडली ये आपको रेडियंट फिनिश देता है जो कि एक्चुअली मुझे पसंद आती है. थर्ड इसमें क्रीसिंग कम होती है और अगर आप इसको ढंग से सेट कर लोगे तो फिर तो बहुत ही मिनिमल क्रीसिंग होती है. ड्राई स्किन पीपल इफ़ यू डू नॉट प्रेप योर स्किन प्रॉपरली तो शायद आपको ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है ब्लेंडिंग के साथ. ऑल्सो कोई पैचीनेस वाला भी इशू मुझे इसके साथ फील नहीं हुआ. टेक्स्चर एंड क्रीमीनेस की बात करूँ सो आई विल से कि इट इज़ नॉट वेरी क्रीमी, इट इज़ नॉट वेरी इमोलियंट, बट आई एक्चुअली लाइक इट. एंड प्राइस की बात करूँ तो वो तो एकदम सोने पे सुहागा वाली चीज़ हो जाती है कि यू कैन गेट इट फॉर अराउंड 100 rupees एंड इट इज़ अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट. सो ऑल इन ऑल आई एम रियली रियली लाइकिंग दिस कंसीलर. ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ खास थी नहीं इस कंसीलर से, बिकॉज सिर्फ 100 rupees में अवेलेबल है, तो आई वॉज काइंड ऑफ डाउटिंग द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट. लेकिन मुझे तो एक्चुअली सूट किया है. बाकी देखो सबकी प्रेफरेंसेज अलग होती हैं, स्किन टाइप अलग होता है, सो मे बी यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन देन माई, लेकिन मुझे एक्चुअली ये पसंद आया. So that was my review for this product. I hope you enjoyed watching the video and also found it helpful. In case you did, then please hit the like button and you can also subscribe to my channel for more such content. And I will see you in my next one. Till then, take care and bye.